वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम एंड्रॉयड स्टूडियो का ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जाएं, तो आपको एंड्रॉयड व्यू सेलेक्ट हुआ दिखाई देगा। अगर ये नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ पड़ा है, तो आपने यहाँ पर जाना है और एंड्रॉयड व्यू को सेलेक्ट कर देना है। अब आपके सामने ये दो डायरेक्टरी शो हो रही हैं, एक ऐप के नाम से और दूसरा ग्रेडल स्क्रिप्ट के नाम से। ऐप पर सिंपल क्लिक करें तो आपके सामने मज़ीद इसकी सब फोल्डर्स दिखाई देंगे, जिसमें एक मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट की एक्सएमएल की फ़ाइल शो होगी। मैनिफेस्ट फाइल एंड्रॉयड ऐप हमारी रन टाइम इसको यूज़ करती है। रन टाइम ऐप को चलाने के लिए जो परमिशन या जो हम ऐप का आइकन, ऐप का नेम और सर्विसेज या ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो हम आगे पढ़ेंगे, फोर कंपोनेंट्स, एक्टिविटी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर्स, इनकम, इनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल में। और जो लॉन्चर एक्टिविटी होती है किसी भी ऐप की, जो फर्स्ट स्क्रीन हमें शो होती है, उसको भी हम यहीं पर डिक्लेयर करते हैं। मैनिफेस्ट का यही काम होता है। और नेक्स्ट जावा के फोल्डर में हमारी जावा की फ़ाइल होती है। अगर आप फर्स्ट वाले फोल्डर पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर मेन एक्टिविटी जावा की क्लास शो होगी। इस पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर जावा का कोड नज़र आएगा, बैकएंड का कोड, जो कि हमारी एक्सएमएल की फ़ाइल से लिंक है, जो हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हुए हमने जो बनाई थी फाइल एक्सएमएल की, उसके साथ इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा का लिंक है। नेक्स्ट फोल्डर है रिसोर्स का फोल्डर। इसमें ड्रॉएबल, लेआउट, निप मैप वैल्यूज़ आ जाती है। ड्रॉएबल के फोल्डर में हमारे इमेजेस, रिसोर्सेज होते हैं, और लेआउट के फाइल में हमारी ऐप की जो एक्सएमएल फाइल हैं, लेआउट जो हम डिज़ाइन करते हैं, यूआई, वो फाइल इसमें मौजूद होती हैं। और निप मैप, इनमें आइकन हम रखते हैं, लेकिन इनके बारे में हम आगे जानेंगे। उसके बाद है वैल्यू। वैल्यूज़ में हम कलर की फ़ाइल, स्ट्रिंग और स्टाइल की फ़ाइल होती हैं। ऐप के कलर को डिफ़ाइन करने के लिए कलर की फ़ाइल में हम उसको लिखते हैं। स्टाइल अगर देना है तो स्टाइल की फ़ाइल में हम अपनी थीम, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम बनी हुई है ऐप की, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह हम मज़ीद थीम बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि एवीडी को क्रिएट करना। अगर हम ऐप बना लें तो हमें इसको चेक भी तो करना है, या तो हम अपना मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर दें यूएसबी के थ्रू, लेकिन आप एमुलेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आप टूल में जाएं और यहाँ से एवीडी को सेलेक्ट करें, एवीडी मैनेजर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी एक डिवाइस जो वर्चुअल एमुलेटर, वो क्रिएट हुआ पड़ी है पहले, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस कर देता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक किया तो एक नई विजिट आपके सामने शो हुई है। ये कह रहा है कि सेलेक्ट हार्डवेयर, हार्डवेयर को सेलेक्ट करो यहाँ से। तो पहले मैंने ये किया था, अब मैं अगर आपको ये दिखाऊँ तो, अच्छा, ये जो निशान आ रहा है इसका मतलब है कि ये प्ले स्टोर सपोर्टेड है इसके साथ, और इसको नेक्स्ट कर दें, यहाँ से भी नेक्स्ट करें और इसको नेम दे दें अपनी एवीडी नेचर का। जैसे ही नेम देंगे और फिनिश करेंगे तो एवीडी क्रिएट डाउनलोड हो जाएगी। मैंने पहले से की हुई है तो मैं इसको नहीं करता, कैंसिल कर देता हूँ। आज के लिए हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैलेट को देखेंगे, जो कि टेक्स्ट व्यू, बटन्स हो गए, लेआउट हो गए, इनके बारे में हम वन बाय वन इनको देखेंगे।